हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, इट इज़ अ फर्स्ट चैप्टर इन योर हिस्ट्री बुक। द फर्स्ट मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज स्टेट ऑफ अलार्म। अलार्म का मतलब अलर्ट हो जाना। द किंग कमांड द ट्रूप्स में से स्टूडेंट्स आर्मी मूव टू द सिटी एंड स्प्रेड दैट पुट द स्टैंड्स यूरोपियन एनी फायर अपॉन द सिटीजन्स। और सिटीजन्स से आर्मी को फायर करने को ओपन कर दिया। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल डिसाइडेड टू पीपल्स मिलिशिया एंड ब्रोक द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड सच। और उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाह रहे थे। जो किंग था, किंग की पॉलिसीज़ को ख़त्म करना चाह रहे थे लोग। तो लोगों ने जो किंग का पैलेस था वो कवर्ड कर लिया था 1700 मैन एंड वुमेन ने। फाइनली द ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। और वो सिटी को कवर कर लिया, सिटी के मतलब सिटी के पार्ट पे ईस्टर्न पार्ट में चल दिए। एंड स्टॉर्म एंड फॉर द प्रिजनर्स जेल्स यानी द बास्टाइल इट इज अ जेल वेयर दे होप द फाइंड हॉर्डेड एनिमेशन एंड द आर्म्ड फाइट द फॉलोअर्ड कमांडर्स ऑफ द बास्टाइल वॉज किल्ड यानी बास्टाइल का जो कमांडर था उसको किल्ड कर दिया। एंड प्रिजनर्स रिलीज और जो सारे जो प्रिजनर्स थे क्या किया उनको वहाँ छोड़ना पड़ा। अब स्टूडेंट्स था क्या यहाँ पर कि इट आर्म फाइट टू फॉलोअर्ड द कमांडर ऑफ बास्टाइल किल्ड एंड हियर स्टूडेंट्स येट द बास्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल। हेटेड मतलब घृणा करना बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पॉइट पावर ऑफ द किंग क्योंकि जो पावर ऑफ द किंग डिस्पॉइटिक हो रही थी, कम हो रही थी। द फॉर्ट्रेस वॉज द डेमोलाइज्ड एंड फ्रेगमेंट द सोल्ड इन द मार्केट ऑल दूज की सोनियर एंड द डिस्ट्रक्शन सब डिस्ट्रक्शन किया जा रहा था। एंड डे दैट द स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोटेस्टिंग द अगेंस्ट हाई प्राइसिस ऑफ द ब्रेड यानी जो पेरिस था फ्रांस की कैपिटल ऑफ पेरिस कंट्री साइड मतलब गांव की ओर से लोग वहाँ पहुँचे पेरिस तो पीपल थे प्रोटेस्टिंग कर रहे थे अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड यानी जो खाने की जो थिंग्स थी वो महंगी हो रही थी। मच लेटर व्हेन द हिस्टोरियंस लुक्ड लॉक बैक अपॉन दिस टाइम एंड दिस साइड बिगनिंग ऑफ चेन मतलब उन्होंने देखा कि एक चेन बनी हुई है। और किंग इन फ्रांस जो एग्जीक्यूशन ऑफ किंग ऑफ फ्रांस थ्रू मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम कि हाउ एंड डिड द हैपनिंग क्या हुआ ये सब। अब स्टूडेंट्स यू आर लुकिंग हियर एंड स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी यानी व्हाट वाज द फ्रेंच सोसाइटी। अब स्टूडेंट्स हियर इज द लुकिंग हियर कि 1774 लुईस 16 ऑफ बार्बर डायनेस्टी यानी बार्बर फैमिली ऑफ किंग असेंड द थ्रोन यानी क्या बना वो किंग बना उस समय कब एक लुईस 16 था 1774 में बार्बर फैमिली से बिलोंग करता था। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड यानी उस समय क्या था वो केवल 20 ईयर्स का था एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी से उसने मैरिज की। एंड व्हेन ही असेसन द न्यू किंग द फाउंड एम्प्टी ट्रीजर यानी हुई फाउंड द एम्प्टी ट्रीजर ट्रीजर मीन्स होता है स्टूडेंट्स खजाना यानी जो खजाना था जो पैसा था कोष था सरकार का वो खाली था। लॉन्ग ईयर्स यानी बहुत सारे लगातार बार्स भी लड़ाए हुए हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स द फ्रांस फ्रांस में जो पैसा था वो कम हो गया था। मेंटेनिंग एंड एक्सटेंशन एंड द कोर्ट ऑफ द इमेज प्लेस वर्साइल्स यानी अब जो कोर्ट था जो वर्साइल्स प्लेस था उसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। तो लुई 16 फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस टू कॉमन एनिमी ब्रिटेन। और ब्रिटेन से उसने क्या किया कि जो अमेरिकन 13 कॉलोनी थी वो भी उसने क्या करा इंडिपेंडेंस कराई तो उसमें भी उसका पैसा खर्च हुआ। हेयर एडिट अ बिलियन लिवर्स जो लिवरेज है वो करेंसी ऑफ द फ्रांस डेब्ट एंड ऑलरेडी राइजन द मोर देन 2 बिलियन लिवर्स और जो कर्ज था वो बढ़ गया 2 बिलियंस।
लेंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट एंड 10% इंटरेस्ट ऑफ द लोन। और जो लोन था यानी आपको क्या होता है लोन भी ले लिया 10%। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज अबलाइज स्पेन टू इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट, अपना पेमेंट यानी अब उसने रख लिया अपना जो बजट था वो बढ़ा रही थी। टू मीट रेगुलर एक्सपेंस सच अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी कोर्ट, यानी इसको अपने कोर्ट को मेंटेन करना, अपनी आर्मी को मेंटेन करना, आर्मी को अच्छे से बनाना, ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, इन सबको करने के लिए क्या था इंक्रीज द टैक्स, यानी अब टैक्स को बढ़ावा देना था। तो स्टूडेंट्स अब लोग क्या थे सफ़ेद सच थे। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट। स्टूडेंट्स एस्टेट है ये ESTATES एस्टेट नॉट अ स्टेट्स। ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पे टैक्स। अब 3 स्टेट्स थे तो इनमें से केवल जो थर्ड स्टेट था वो टैक्स पे करता था, बाकी जो थे वो टैक्स पे नहीं करते थे। तो द सोसाइटी ऑफ द पार्ट फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतशाही सिस्टम था बैक टू मिडिल एज एंड द ओल्ड रिजाइम, जो ओल्ड रूल रिजाइम इज रूल यूजली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी इंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। यू आर लुकिंग हियर स्टूडेंट्स देर आर 3 स्टेट्स। फर्स्ट एस्टेट कलर्जी, जिसमें कलर्जी आते हैं यानी जो चर्च के पोप होते हैं वो लोग होते थे। सेकेंड में नॉबल पर्सन, 7 में नॉल पर्सन, और जो थर्ड एस्टेट था स्टूडेंट्स उसमें वर्कर्स थे जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट, लॉयर, पीजेंट्स यानी फार्मर्स, आर्टिसंस जो वर्कर थे, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, यानी ये सब थर्ड एस्टेट में आते थे और यही जो क्या करते थे टैक्स पे करते थे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये क्या करते थे जो टैक्स पे करते थे। तो अब यहाँ पर जो था वो रिजाइन था। तो फिगर टू अब हम देख रहे हैं कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज पीजेंट्स अब 90% थे स्टूडेंट्स पॉपुलेशन थे। हाउएवर स्मॉल नंबर ऑफ देन ओन लैंड दे कल्टीवेट, अब वो अपने लैंड को कल्टीवेट करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय द नोबल्स, यानी जो नोबल्स थे वो अपनी खेती करवाते थे इन्हीं लोगों से। चर्च ऑफ द अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स दैट द कलर्जी एंड द नोबिलिटी, कौन थे वो कलर्जी और नोबिलिटी थे और वो क्या करते थे दे एंजॉय द प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्पेशल राइट्स यानी विशेषाधिकार बाय द स्टेट्स, स्टेट्स के द्वारा जो बाय बर्थ जो थे वो। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वॉज एग्जम्पशन ऑफ द पेइंग टैक्स टू स्टेट, और क्या करते थे जो थर्ड स्टेट था वही जो टैक्स था वो पे करता था। सो नोबल फर्दर इन्जॉय फ्यूडल प्रिविलेज, और जो नोबल पर्सन थे कलर्जी थे वो लोग उस टैक्स से इन्जॉय करते थे, जो पीजेंट्स या जो थर्ड स्टेट लोग टैक्स देते थे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर था क्या कि द चर्च टू एक्सट्रैक्ट द शेयर द टैक्स कॉल्ड द टाइथ, यानी जो चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड द टाइथ फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी कहाँ से लिया जाता था टाइथ पीजेंट्स। एंड ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट टू पे टैक्स ऑफ द टू स्टेट्स इंक्लूड द डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड द टाइथ टैली एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच बिलीव द लेवीड आर्टिकल्स एवरीवन कंजप्शन लाइक सल्ट और टोबैको। बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज स्टेट द टैक्स बर्न फॉर थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट पर क्या हुआ बहुत बड़ा टैक्स मतलब उस पर बर्डन पड़ गया स्टूडेंट्स। या डेफिनेशन कैलकुलेटिंग लिब्रस, यानी लिब्रस यूनाइटेड करेंसी ऑफ फ्रांस डिसकंटिन्यूड 1794। अब कलर्जी अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड इन द स्पेशल फंक्शन ऑफ द चर्च, यानी चर्च में जो स्पेशल फंक्शन करते थे जैसे अपने आप पंडित होता है पुजारी होता है मंदिर का ही कलर्जी, ऐसे तो ऐसे कलर्जी होते हैं हमारे यहाँ पंडित होते हैं। जैसे टाइथ देखिए टाइथ की डेफिनेशन अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी ये जो टैक्स था वो चर्च को जाता था लेविड बाय द चर्च और 1/10 यानी 10% ऑफ अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का वो देना पड़ रहा था। टैली यानी टैक्स टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट, स्टेट यानी गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको देना पड़ रहा था गवर्नमेंट को
देना पड़ता था स्टूडेंट्स। तो उस तरह से एक टैक्स था जो थर्ड स्टेट का, यही क्या बना, रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन बना। नेक्स्ट स्टूडेंट जो टॉपिक है, यू आर लुकिंग एट 1.1 टॉपिक, स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल पॉपुलेशन ऑफ, जब वहाँ पर टैक्स लगा दिया गया तो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव जो पॉपुलेशन थी उसको प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब पॉपुलेशन फ्रांस रोज मोर अबाउट 23 मिलियन इन 1715 to 1728, यानी यहाँ तक जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी स्टार्टिंग, अब 2015 to 28 मिलियन इन 1789, अब 1789 में पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई 23 मिलियन, यानी अब आगे बढ़ती जा रही है। तो दिस लेड रैपिड इंक्रीज द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगी, तो ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, अब वो मिल नहीं पा रहा था उन्हें, सो द प्राइस यानी जो फूड ग्रेन्स था वो शॉर्टेज हो गई उसकी। तो ब्रेड विद द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी, अच्छा भाई रोटी खाते हैं, प्राइस ऑफ ब्रेड जो थे वो बढ़ रहे थे, मतलब रैपिडली बढ़ रहे थे। तो मोस्ट वर्कर्स वाज एम्प्लॉयड एंड लेबरर्स इन द बर्स ऑफ एंड द फिक्स देयर रेट, अब वर्कर्स थे एम्प्लॉयर थे लोग वर्क करते थे, उनके जो बेस थे वो फिक्स थे, सैलरी फिक्स थी, बट बेस डिड नॉट कीप पेस विद राइज प्राइस, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो जो प्राइस बढ़ रहे थे वो खर्च कर सकें, उनसे कुछ कर सकें। अब बिटवीन पुअर एंड रिच बाइडन, अब जो पुअर और रिच थे तो जो कीप थे बट बेस डिड नॉट एंड पीस विद द प्राइस, सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच जो बढ़ने लगा, थिंग बिकेम द वेयर ऑफ ड्राउट, सूखा पड़ गया, हेल ओले पड़ गए, फसलें जो थी लोगों की खराब हो गई। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस, अभी क्या हुआ कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई है सर। तो समथिंग द ऑक्यूरेट करेंटली द फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेन, तो ओल्ड रेन था वो यहाँ से इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि फूड की शॉर्टेज हो रही थी, प्राइस बढ़ रहे थे, तो जो वर्कर्स थे जो लेबरर्स थे सब उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो ये भी क्या था, जो एक था रीजन था। That's all, students. Next up will be how a subsistence crisis happen. You are looking here. Okay, students. So next topic will be a growing middle class envisaged an end privilege. That's all, students.